बिशनपुर सभागार कक्ष में 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कोरोना काल में बेहतर कार्य किए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि आज गुमला जिला में बिशुनपुर प्रखंड प्रथम स्थान है। हम सब लोगों वर्तमान समय में जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से ये कोरोना के महामारी इसी प्रकार से जो है ये है अल्फा आया डेल्टा आया अभी जो है ओमिक्रॉन आ रहा है यानी परेशान कर रहा है। आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से पंजाब में सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा का नारा लगा तो बंगाल के धरती से वंदे मातरम का नारा लगा और यही धरती किशनपुर के धरती से भी जत्रा टाना भगत ने टाना बाबा टान टून का नारा दे करके ये अंग्रेजों को भगाने का काम किया, देश को आजादी दिलाई तो हम आज आजाद भारत के नागरिक कहला रहे और हम सुरक्षित हुए। अंत में उन लोगों को वैक्सीनेशन कराकर ही दम लिए। इस प्रकार हम लोगों ने हम अपने क्षेत्र बनारी में 100% पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट डोज का तो पूरा हो चुका है, सेकेंड डोज गिने चुने ही बचे हुए हैं जिनका टाइम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस वैक्सीनेशन में हम लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ा। सारे सहिया NM हर दरवाजे गए जो नहीं भी लेना चाह रहा है, अंत में जब एकदम ही जो नकार जाते थे उनके लिए फिर सर को फ़ोन करते थे, BDO मैडम को फ़ोन करते थे, उन लोगों भी जाके मोटिवेट किए और सब कोई को वैक्सीनेशन कराने में हम लोगों का सहयोग किए। मीडिया के बंधु लोग तथा आम जनमानस, यह आप सभी के सहयोग का ही रिजल्ट है कि बिशुनपुर प्रखंड आज जिले के टीकाकरण कार्यों में सबसे ऊपर है। मात्र 4 दिन के बाद फिर हमारी NM उसी गांव में गई है। अन्य लोग देने वो महिला जो बैठने का खड़ा नहीं पाती थी, खड़ा होने की ताकत नहीं थी, वो कम से कम 100-200 मीटर आ करके NM को धन्यवाद दी है कि दीदी आप जबकि 1 घंटा से पूरे मेहनत करना पड़ा, सोचा जाएंगे इस तरह से अजीब अजीब फायदा हो रहा है। और अखबार में पढ़े होंगे बिहार में मधेपुरा के एक व्यक्ति सम साहू नाम था उनका, नाम भी था अखबार में, वो 12 डोज दे चुके हैं, कभी इस प्रखंड के उस प्रखंड के उस प्रखंड में लोगों को बुलावा दे करके बाद में उनको रोका गया मत दीजिए, कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस से उठने बैठने लगे थे, अब दौड़ रहे हैं, अब तेरा वाटो लेकर दौड़े हैं, अजीब अजीब बात हो रही है। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो कि साइंस को भी पता नहीं है, प्रैक्टिकल व्यू जब आता है तो नजर आता है। तो खैर 12 डोज 14 डोज नहीं लेना है, जो डोज सरकार का दिशा निर्देश है उतना डोज अवश्य लेना है और सबको लेना है, किसी को रोकना नहीं है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।